एक दो तीन चार पाँच के टी एम भाई क्या करके मानोगे आप ये बताओ। चलो कुछ के टी एम हो जाए। हाँ चलो कुछ के टी एम हो जाए। और इसका बताओ, ये 100 किलोमीटर चली हुई है। 100 किलोमीटर? क्या बात कर रहे हो भाई। एक बार ना डाउट क्लियर कर दो लोगों का, 15-20 हजार की बाइक आप देते हो नहीं देते ये बताओ। 15-20 हजार रुपए की बाइक्स देते हैं। कल परसों भी, कल संडे था, बहुत सारी कस्टमर्स आए थे। यार सिरदर्द ही नहीं है दिल्ली के ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है भाई। यार देखते कैसे जाओ। आधा घंटा हो गया यार। और भाई क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब अच्छे हो भाई और सब अच्छे से, मेरा मतलब कि घर में सब हेल्दी है, आप भी हेल्दी हो। कोरोना वायरस गया, अपनी अच्छी करा दे, ठीक है, हेल्दी रहो, इम्यूनिटी बनाए रखो, कुछ नहीं होगा। और भाई बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाइक दिखाओ, कोई भी वीडियो डालूं मैं, बाइक की रिक्वेस्ट तो सबसे पहले आती है भाई। थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो मुझे, तो भी बाइक का वीडियो बनाने जा रहे हैं। और एक काम और करवाना था मुझे, ये गाड़ी मैंने ये रैपिंग करवाई थी ना, ये थोड़ी सी उतर दी गई है। मेरी साइड से तो ठीक है, उस साइड से ज़्यादा हो रही है, दिखाइए ज़रा। ये देख रहे हो भाई, ये गाड़ी में यार कुछ लोग बैठते हैं ना, जिनकी आदत होती है दादी उंगली करने की, छेड़खानी करते रहते हैं, उन्होंने बिगाड़ दिया ये। पता है जिनकी बात कर रहा हूँ, देख रहे होंगे वीडियो, तो किसको भी ठीक करवा लूँ और बाइक का वीडियो बना दूँ, उधर जाके मैं आपको सब दिखाता हूँ। और अगर एक आध चीज़ की बढ़िया सी दिखती हूँ ना, वो भी दिखा दूँगा। तो यदि मैं अभी तो मैं उधर ही आ रहा हूँ, बाकी आपसे उधर करके मिलता हूँ। तो भाई ये करोलबाग में जब भी आओ ना, एक पार, अबे यार यहाँ क्यों लगा रहा हूँ मैं, एक यहाँ पेड पार्किंग है, पर पेड पार्किंग में नहीं लगाता मैं, एक जगह है वहाँ पे, थोड़ा सही जुगाड़ है, थोड़ा वहाँ हो जाती है, तो मैं गलती से यहाँ पे आ गया, पीछे चलता हूँ उधर पार्क करके, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जगह है वैसे, जगह भी नहीं है यहाँ पे। A few inches later. चलो भाई दूसरी गाड़ी में स्क्रैच ना आ जाए, वहाँ लगा लेते हैं। A few moments later. और सरदार जी की हाले कैसे हो? आप सुनाओ सर। मैं बढ़िया, और सुनाओ क्या मौज आ रही है? आओ पहले थोड़ा, यार भीड़ हो रही है इधर, चल के जरा बात करते हैं। पहले हाथ सैनिटाइज कर ले। और बताओ, और क्या लगी, बताओ कैसे हो? बहुत दिन बाद आया हूँ मैं। बाइक की वीडियो सबसे ज़्यादा चैनल पर रिक्वेस्ट करते हैं यार, और आपके पास ही आना पड़ता है उसके लिए। वैसे अगर मैं घर पे हूँ, दिल्ली आने में इतनी दिक्कत हो रही है, गाड़ी की नंबर प्लेट ये करवाओ वो करवाओ, तो बताओ आपके लिए आना पड़ता है। पैसे बना रहे हैं सरकारें हमारी, किसानों को रुला रही है और पैसे बना रही है। तो एडी वे भाई ये बताओ, बाइक कौन कौन सी दिखा रहे हो आज? और क्या है वो बताओ, बाइक कौन कौन सी दिखा रहे हो? बहुत सारी है मेरी, मतलब टोटल कितनी आई हुई, एक बार दिखाइए उधर कैमरे में। अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्प्ले में अभी 15 अराउंड बाइक्स हैं, बाकी तो स्टॉक रूम में रहती हैं। ये जो डिस्प्ले में है ना, मैं ये पहले दिखा देता हूँ, और जो स्टॉक रूम में ही बहुत सारी होंगी। मैं स्टॉक रूम में तो है गाड़ी सब, तो एक काम करते हैं, एक वीडियो में आ नहीं पाएगा, ये ड्यूरेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये मैं आज शूट कर लेता हूँ, वो भी आज शूट कर रहा हूँ, पर वो मैं अलग वीडियो में पोस्ट कर दूँगा। तो मैं आपको याद है आज बाइक दिखानी शुरू करता हूँ, आ जाओ। तो भाई मेरे सामने कुछ बाइक खड़ी है, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं आपकी। ये भाई थंबनेल के लिए फोटो लिया मैंने, ये बताओ कैसी आ रही है? बताओ हैंडसम लग रहा हूँ नहीं लग रहा इस वक्त थंबनेल में? हैं लग नहीं रहे हो? अच्छा यार, आप भी हो यार, बस वो थोड़ी ना ये मतलब हर फोटो में ये करवा ही देता है ये कुछ ना कुछ यार काम। सरदारों की, पंजाबियों की पहलवान। अच्छे बाप, चलो बाइक दिखानी शुरू करो यहाँ से, ये भी अपनी है ना? हाँ जी दिखाओ, बताओ। 20 लास्ट की है। अच्छा दिखाओ, डेढ़ दो महीने पुरानी हो गई है बाइक और 900 चल रही है। BS6 बाइक की पहली सर्विस हो गई बाइक की। अच्छा पहली सर्विस ही हुई है अभी? हाँ एक सर्विस हुई है। अच्छा, और ये भी अपना ही है? ये नॉट फॉर सेल। अच्छा चलो उसका बताओ मुझे, अपाचे का? अपाची 2018 मॉडल 2500 चली हुई। 2018 मॉडल 2500 चली हुई है जी। अच्छा, और क्या प्राइस है इसका? ये 85,000। 85,000 की ये मिल जाएगी डबल डिस्क में। अच्छा डबल डिस्क में। ओके, और इसका बताओ? RR310 2018 मॉडल, रजिस्ट्रेशन आपके सामने आ रहा है। और बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अच्छा, लाइट वाले मिरर लगे हुए हैं। ओके, एंड प्राइस इसका जो मेरा आस्किंग है 1,75,000 है, बिकॉज बाइक चली हुई है सिर्फ 2500 किलोमीटर। बस 2500 किलोमीटर जी, और वो कंडीशन देख के पता चल भी रहा है। और एक बार इसका एग्जॉस्ट देखते हैं बाइक का। तो भाई ये बाइक का एग्जॉस्ट देखो, दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा ये एग्जॉस्ट, मैंने देखा नहीं है पहले। IXIL साइलेंसर्स,
एक्सट्रीम। बहुत तगड़ा एग्जॉस्ट है ये कितने का आ रहा है आफ्टर मार्केट? नॉट सो श्योर बट ये कि 10 से ऊपर है। अच्छा 10 से ऊपर का है। आवाज है इसकी अच्छी। और इसका बताना मुझे डोमिनार का। डोमिनार 2020 मॉडल लास्ट की है, 4000 चली है। आपके फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, उनकी गाड़ी है, मेरे से ड्यूक ले गए हैं। अच्छा एंड मे बी वो देखेंगे वीडियो तो उनको पता लग जाएगा कि हमारी बाइक की। अच्छा तो भाई जिनकी बाइक है वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका बताओ। ये 2017 मॉडल है। हाँ जी हाँ जी। ये 250 है डोमिनार, जो आप ब्लैक वाली देख रहे थे ना, ये 250 है। अच्छा 250 है ये। 2020 मॉडल है ये। अच्छा और क्या प्राइस बताया? 75,000 डिमांड है मेरी। अच्छा तो 175 की मिल जाएगी भाई ये। और ये 4000 चली है। और ये है 2017 मॉडल। ये कितने है और क्या प्राइस है इसका? और प्राइस इसका 1,10,000। करण भाई के पास एक बुलेट भी है यहाँ पे, एकदम ब्रांड न्यू लग रही है ये, तो इसके बारे में पता करते हैं। जी बताओ इसके बारे में। रॉयल एनफील्ड ये 2020 मॉडल है एंड लास्ट की है 2020, 3 महीने पुरानी कह सकते हो आप इसको। 1800 किलोमीटर चली है। 1800 किलोमीटर चली है बस। एक साल की हुई है बाइक। तो बाइक की एक सर्विस हुई है 2020। मेरे पास 500 किलोमीटर चली, 700 किलोमीटर चली भी आई हुई है अभी। अभी हम आगे वीडियो में पॉसिबल होगा तो दिखा देंगे। और क्या प्राइस दे रहे हो इसका, मतलब डिमांड कर रहे हो? 75,000 की पड़ेगी। तो 175 की पड़ जाएगी। और बाइक देख लो आप, पूरी स्टॉक है, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ इसमें। और ये बैंड पाइप, ये बैंड पाइप स्टॉक है ना इसका? बैंड पाइप स्टॉक है ना इसका? कंपनी से आ रहा है ना? कंपनी से अभी आ रही भी है, 6 है ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब देख लो आप बाइक में कोई आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा, स्टॉक है बाइक पूरी। और क्या प्राइस बताया आपने इसका? 1,75,000 की। ओके सो 175 की ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे KTM का कलेक्शन है पूरा, करण भाई का 1, 2, 3, 4, 5 KTM। भाई क्या करके मानोगे आप ये बताओ। चलो कुछ KTM हो जाए। हाँ चलो कुछ KTM हो जाए, कुछ क्या है तो बहुत कुछ हो गई। बातें बतानी शुरू करो आप मुझे। ड्यूक 200 का 18 मॉडल है ये। अच्छा 14,000 चली हुई है, सर्विस के साथ मिरर वगैरह है सब, और गार्ड लगा हुआ है, क्रैश गार्ड जाना का किट लगी हुई है, हॉर्न लगे हुए हैं इसमें बड़े वाले, जो रूट्स मेगा सोनी का जी रूट्स। एंड प्राइस इसका आस्किंग 1,25,000 है। तो 125 की ये मिल जाएगी। उसके पीछे वाली बता रहा। उसके बाद ये है 2019 मॉडल ABS में, 8,000 चली, सिंगल ऑनर दोनों चाबियों के साथ, और ABS में है। प्राइस आस्किंग है मेरा इसका 1,75,000। तो 175 की ये मिल जाएगी। RC 200 है ना? RC 200। ओके और इसका बताओ, ये RC 390 है ना? RC 200 वाइट में, वाइट कलर, 2018 मॉडल। एक तो इसके शेड वैसे है ना भाई, हर बार चेंज होते रहते हैं, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको भी हो जाता होगा। हाँ समटाइम्स रहता है ये। और इसकी डिटेल्स बताओ। 6,000 चल गई है बाइक। अच्छा 2018 मॉडल है। इसकी वो दूसरी अगर आपको देखना है तो मीटर रीडिंग आप चेक कर सकते हो एग्जैक्ट कितनी चली है। 1,55,000। भाई बहुत बढ़िया लग रही है कंडीशन तो। हाँ ये कह सकते हो। और इसकी डिटेल्स बताओ। और प्राइस इसका आस्किंग मेरा 1,55,000 है। सो 1,55 की ये मिल जाएगी। और 100 किलोमीटर बाइक चली है 2020 दिसंबर की, हार्डली अ मंथ यूज्ड, तो बहुत जेन्युइन डील है। तो और इसका बताओ आप मुझे। और ये 2020 ये है 2017 मॉडल, बीस्ट है एज यू ऑल नो, 390। भाई तो टायर भी बहुत फैट लगवा रखा है, थोड़ा बहुत आफ्टर मार्केट काम हो रखा है। बाइक अभी परचेज हुई है और इसका गार्ड वगैरह अभी हमने, इसके पीछे का जो इसका सिस्टम आता है वो भी सब फिक्स करना है। अच्छा अच्छा, तो इसकी प्राइस बताओ क्या डिमांड कर रहे हो? ये 2017 मॉडल है, 13,000 चली है जेन्युइन। और प्राइस जो इसका आस्किंग है मेरा वो है 1,75,000 रुपीज़। तो 175 की भाई दोबारा देख लो, आपको ये बाइक मिल जाएगी KTM ड्यूक 390। तो करण भाई के कलेक्शन में भी बाइक ख़त्म नहीं हुई, बाहर जो भाई ने डिस्प्ले में लगा रखी थी, चार बाइक और है, उसमें एक BMW भी है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको MT दिखाता हूँ। आ जाओ भाई। MT 2020 मॉडल, 2 महीने 2.5 महीने पुरानी बाइक है, 1,000 किलोमीटर चली है।
एंड आपको देखी राइट डबल डिस्क में आती है लाइक और इसकी डबल आइस वो तो मुझे याद है भाई है। वो तो सबसे फेवरेट है यार क्या लगती है इसकी आइस और जब ये जलती है ना तो ये बहुत जेन्युइन लगती है एलईडी लाइट्स जो है मेन प्रोजेक्टर तो ये है इसका वैसे इसकी डिटेल्स बताओ 1000 किलोमीटर चली हुई है फॉर 145,000 बस 1000 किलोमीटर भाई बाइक तो एकदम नई नई रखते हो आप और 145 की मिल जाएगी और ओनरशिप तो फर्स्ट ही होगी 1000 किलोमीटर में क्या ही सेकंड ओनर सो एक मुझे ये दिख रही है R15 ये देखते हैं 2020 मॉडल मॉन्स्टर ये पिछली बार भी जब मैं आया था तो वही है नहीं अच्छा अलग होगी आपको कहाँ याद होगी इतनी तो बाइक लेते हो बताओ इसके बारे में बताओ यार फर्स्ट ओनर बाइक है फर्स्ट ओनर है फॉर 145,000 रुपीज़ अच्छा 145 की आपको ये बाइक मिल जाएगी एक बार आप पीछे से भी देख लो और इसका बताना मुझे एनएस का एनएस देखते हैं मॉडल 160 बाइक 8000 किलोमीटर चली हुई है दोनों चाबियां अवेलेबल है डुअल डिस्क डुअल चैनल एबीएस में है डुअल चैनल एबीएस ये देख लो भाई डुअल डिस्क और 2000 मिलती है ये बाइक 2019 मॉडल बताई ना आपने बहुत कम क्यों मिलती है बहुत कम इसलिए मिलती है क्योंकि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है और हमारे पास भी ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन है और क्या प्राइस डिमांड कर रहे हो इसका प्राइस इसका आस्किंग मेरा 90,000 है सो 90,000 की ये मिल जाएगी बाइक एक बार दोबारा देख लो डुअल चैनल एबीएस डुअल डिस्क फुली लोडेड बाइक है और ये है भाई के स्टॉक में मेरी फेवरेट बाइक BMW G310 भाई इसके बारे में बताओ आप मुझे 2019 मॉडल BMW G310 R बाइक की कंडीशन भी बहुत जेन्युइन है इसकी कौन सा मॉडल बताया आपने 2019 चलिए 9000 किलोमीटर 9000 किलोमीटर अच्छा बढ़िया लग रही है बाइक स्टॉक है आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराया इवन एग्जॉस्ट भी इसका स्टॉक है और इवन कोई रैपिंग भी नहीं करा रखी पूरी बाइक स्टॉक है और इसकी डिटेल्स बताओ एबीएस इनबिल्ट आता है बाइक में सही है एबीएस के साथ ही आती है बाइक और प्राइस इसका आस्किंग है 225,000 रुपये आपको 225,000 रुपये सिर्फ फॉर जस्ट 225,000 रुपये और इस लोगों के लिए 225,000 रुपये मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा चीज़ है क्योंकि बाइक की कंडीशन राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है मैंने चलाई है ये तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आके देख सकते हो तो भाई आप में से बहुत लोगों का एक डाउट होता है कि बाइक फाइनेंस होती है या नहीं होती क्योंकि आई नो मैं जो भी यहाँ पे बाइक दिखाता हूँ ये हर किसी के बजट अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत महंगी महंगी बाइक्स भी है बहुत रीजनेबल रेट की बाइक्स भी है जैसे मैं बाइक के थंबनेल में जब भी डालता हूँ 15,000-20,000 ऐसा नहीं है कि बाइक नहीं होती वही देख रहा हूँ हाय मूसा भाग रही है आले भाग रही है एनीवे भाई एक बार ना डाउट क्लियर कर दो लोगों का 15,000-20,000 की बाइक आप देते हो नहीं देते ये 15,000-20,000 रुपए की बाइक्स देते हैं कल परसों भी हम कल संडे था बहुत सारी कस्टमर्स आए थे मिड रेंज बाइक्स लेकर गए हैं अच्छा 15-20-25 को की एक्चुअली अगर 25-30 भी लोग खर्च करते हैं यानी कि 15-20 में उनको बाइक चाहिए 15-20 से स्टार्ट हो जाती है और वो बहुत लिमिटेड स्टॉक होता है अच्छा और अगर आप ऊंचा मॉडल लेते हो तो वो 25-30 लोग पे करते हैं हाँ मतलब अब भाई बाइक लेने आओगे तो बजट एक जो आप सेट करके आओगे ज़रूरी नहीं है उसमें मिल जाए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो यार हम भी कोई गाड़ी बाइक या कुछ भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है और जो मैंने आपको प्राइस बताया ये फिक्स नहीं है करण भाई खुद बता देंगे ऑन टेबल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप यहाँ पे आओगे तो हो जाएगा और अब भाई फाइनेंस की बात बताओ फाइनेंस का क्या थी पूरा बता दो फाइनेंस फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल पहले भी थी बट अभी बैंक्स भी आ गए हैं फाइनेंस के लिए सो जो फाइनेंस का अमाउंट जो है हमने बढ़ा दिया है अच्छा एंड इट गोज़ टू लाइक 90% तक का अमाउंट भी आप फाइनेंस करा सकते हो 10% पे करके अच्छा तो आपका अप्रूव हो जाएगा इजीली इफ यू आर अ डेली रेसिडेंट और जो दिल्ली के बाहर के दिल्ली के NCR के लिए भी पॉसिबल है अगर आप दिल्ली में किसी के साथ में IDs लगा दोगे तो हो जाएगा और मतलब अगर कोई अलग स्टेट से है उसके लिए तो फाइनेंस का कुछ नहीं अदर स्टेट के लिए नहीं होता बट अगर उनके दिल्ली में अगर उनके रिलेटिव अच्छा। है या कुछ उनका कोई सोर्स है दिल्ली में अच्छा अच्छा उनकी आईडी साथ लग जाए तो पॉसिबल है या फिर कोई मतलब फाइनेंसर बैंक्स कर देंगे बैंक्स फाइनेंस कर देंगे अच्छा तो मतलब वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा बैंक से या फिर कोई आपका प्राइवेट फाइनेंसर हो और अब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताओ ट्रांसपोर्टेशन तो ऑल ओवर इंडिया होती है अच्छा हमारी बाइक्स अभी कल बैंगलोर जा रही है बाइक बैंगलोर कर्नाटक मतलब ऑल ओवर इंडिया का एक नेपाल में होती है
नेपाल में नहीं होती, कोई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि नेपाल में होती है, नहीं होती, पर वो बॉर्डर के पार पड़ता है तो उधर नहीं होती, इंडिया में हर जगह हो जाती है। वो बाइक ट्रांसफर नहीं होगी ना, इंडियन आईडी नहीं है वहाँ। बट एक चीज़ है, बाइक आपकी ट्रांसफर हो जाएगी पर पेपर वर्क के लिए तो दिल्ली आना पड़ेगा ना। पेपर वर्क अगर आप, हम लोग तो बाइक्स अभी भेज रहे हैं ऑनलाइन पेपर वर्क करवा के, बाइक्स कस्टमर मंगवा रहे हैं हमारे से बहुत। तो मतलब ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना, पे कर रहा है बाइक आपकी दीदी घर तक आ जाएगी, ठीक है सही कहा ना। ओके तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और कुछ क्या बोलना चाहो? अच्छा लगा हो कुछ नहीं सकते ना, अनडाउटेडली अच्छा ही होता है। अरे यार आप तो मेरे सच्चे भाई हो, कि वो तो कोरोना चल रहा है, पप्पी ले लेता हूँ आपकी यार। अभी मैंने मास्क पहना हुआ है। अच्छा जी, तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। दुआ मांग रहा हूँ भाई आपसे, बोल रहा हूँ कि कर दो यार सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मुझे मुश्किल होती है यहाँ पे आने में। और अब तो दिल्ली में एक सीन और हो गया नंबर प्लेट का, नंबर प्लेट जो वैसी वाली है अभी टू व्हीलर्स के लिए नहीं आया, टू व्हीलर्स के लिए 6 महीने का टाइम है। अरे अभी मैं आ रहा है, इतने बीच में रोके हुए थे पुलिस वाले, सबको हाथ दे के पकड़ रहे थे, कार को भी ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल अभी 6 महीने का टाइम है टू व्हीलर्स को। और कुछ नहीं होता, सबसे पहले सामने आके फोटो लेते हैं, कैमरा खुला रहता है भाई, पता नहीं कितनी बैटरी है फोटो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे नहीं खड़े हो सकते, थोड़ा सभी वो ऊपर भी हैं कैमरा, वही तो ऊपर वाला सब देख रहे हैं। तो भाई वही कह रहा हूँ दोबारा, एक बार आप भी बोल दो यार, मैंने तो कह दिया, एक बार आप बोल दो। नहीं, वीडियो को लाइक कर लेना, ऑब्वियसली बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना यार, शेयर की बहुत बहुत जरूरत होती है, बहुत जरूरत है, फ्रेंड्स को शेयर कर देना यार, वीडियो अच्छी लगे तो और अच्छी लगेगी। थैंक यू भाई, एनी वे दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सिंग विल बी बैक। ऐसे नहीं, उस पर वो ये मेरा स्टाइल नहीं, दोबारा मेरा वाला दोबारा करो यार, सिंग विल बी बैक।